मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को इंदौर के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। राव विधानसभा के शुभ कारज मैरिज गार्डन में आयोजित कांग्रेस की इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कसरावद विधायक सचिव यादव, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम, पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेता कृपाशंकर शुक्ला, अश्विन जोशी, देवेंद्र सिंह यादव, रमीज खान, दौलत पटेल और प्रमोद टंडन समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। जीतू ने कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें 2014 में देश के सामने कही थी, उसके विपरीत देश में उन्होंने फिनोमा तैयार किया है। पटवारी ने कहा कि रोजगार मांगना और बेरोजगारों के साथ न्याय करना, अगर इस तरह की नकारात्मक भाषा देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो देश कैसे बचेगा। उन्होंने मंच से विधानसभा चुनाव में मिली हार, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे नेताओं के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारे नेताओं को डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इससे वे लोग डरे हुए हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है। उनके मन में डर बैठा है कि सरकार उनका कुछ नुकसान न कर दे। इस डर की वजह से वे भाजपा में चले जाएंगे, वहां जाकर अपमान भी सहेंगे, वे गालियां भी देंगे तो सुनकर मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन जो बहादुर है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, वे कल भी कांग्रेस के साथ थे और भविष्य में भी रहेंगे। पटवारी ने कहा कि अब हमारे पास बोलने के लिए मुद्दे हैं। भाजपा ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुई। भाजपा झूठ के दम पर माहौल बना रही है, लेकिन जमीन पर हालात विपरीत है। महंगाई 5 गुना बढ़ गई है। भाजपा ने जनता को कुछ नहीं दिया है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत की, लेकिन भाजपा ने लाडली बहनों को पैसा देने की बात की। भाजपा के कार्यकर्ता उसे घर घर ले गए, उसका अद्भुत असर हुआ। इंदौर में भाजपा के वोटों की बढ़त का कारण लाडली बहना थी। लाडली बहनों को लोकसभा चुनाव तक ही पैसा मिलेगा, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। जनता के सामने उठाने के लिए हमारे पास कई सवाल है, कार्यकर्ता उसे जनता तक पहुंचाएं। जो डरे हुए लोग हैं, जिनने कुछ न कुछ ऐसा किया जिससे सरकार का उनके पीछे एक तरह से टेक लगा कि हमारा कुछ हो नहीं जाए, वो तो दम तोड़ देंगे, भाग भी जाएंगे, सरकार के साथ भी हो जाएंगे, अपमान भी सहन करते जाएंगे और उनके साथ भी खड़े रहेंगे। वो गालियां भी देंगे तो सुनते भी रहेंगे, खड़े खड़े मुस्कुराते भी रहेंगे। पर जो बहादुर आदमी है, ईमानदार आदमी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, विचारधारा से परिपूर्ण है, वो कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा, इसकी चिंता नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी रोज ऊपर भोपाल से कहते हैं, आज उसको ज्वाइन करा लिया, आज उसको करा लिया, आज उसको करा लिया, आज जैसे 1 लाख का मैंने बताया, मैंने आज सुबह ही गिनवाया, सुबह से शाम तक सोशल मीडिया के अकाउंट पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने किसको किसको सम्मिलित किया, जरा उनकी गिनती करो, उसकी लिस्ट बन रही है, कल जारी भी करेंगे। टोटल 365 लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया पे है, 336 लोगों, जिसमें विधायक लेवल के लोग आ गए, आम कार्यकर्ता आ गया, पंचायत के भी आ गए, 80% लोग जिनको हम बाहर कर चुके थे, जिनको हमने पहले ही अनुशासनहीनता में बाहर कर दिया था, उनको पुराने कांग्रेसियों को लेके कहते हैं कि अब ये कांग्रेस के पुराने पूर्व विधायक कांग्रेस में बीजेपी में सम्मिलित हो गए। तो जिनको हमने बाहर किया उनको लेके फिनोमा बनाना, जबरदस्ती झूठ बोलकर आइए, हाथ मिलाइए, गले लगाइए, फूलमाला कीजिए, मुख्यमंत्री का एक ही काम है, वो सुबह में वहीं से चले जाते हो, 3-4-5 को लाते हो और अखबारों में छपवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। मुझे किसान बंधु आए, जमीन अधिग्रहण की बात, जब तक मैं विधायक था किसी का एक हिम्मत नहीं होती थी कि गुस्से, अब किसानों को नोटिस भी आ रहा है, अधिग्रहण की कार्रवाई भी चल रही है, तो जिन जिन गांव में अधिग्रहण हो रहा है उनसे बात करो कि कांग्रेस पार्टी की जब हम विधायक थे तब क्या था और आज क्या है, तो आपके पक्ष में माहौल बनेगा। और जो लाडली बहना की बात थी, 3000 रुपया भारतीय जनता पार्टी ने देने की बात कही थी, अभी अच्छे बता रहे थे, अब 8500 रुपया पर बहन को कांग्रेस पार्टी और हाथ का पंजा देगा, ये घर के बात बता, आपके मुंह में जवान आनी चाहिए। जो ग्रेजुएट बच्चा है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने 3 साल का कॉलेज का कोर्स पूरा कर लिया और डिग्री ले ली, उसको 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी,
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 8,500 रूपए देगी, ये आपके पास सवाल है। रवि जोशी जी, हमारे पार्षद जी, सीमा सोलंकी जी, नरेन भाई उनाल, सबका स्वागत है भैया। अशोक भैया, गौरव भैया, सुनील भैया,